क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से PGDCA कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं PGDCA के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में PGDCA करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको PGDCA का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है PGDCA का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप PGDCA के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने PGDCA में पढ़ाई की है, तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप PGDCA के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से PGDCA कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने PGDCA की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको PGDCA की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें नोट्स हैं, वीडियोज हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है, जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन PGDCA की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 PDF फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, MS एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली है, मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, PDF के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स PGDCA का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल में ही PGDCA एग्जाम, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि PGDCA के सिलेबस में क्या दिया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मोनो तथा स्टीरियो साउंड में क्या अंतर होता है और क्या होते हैं मोनो तथा स्टीरियो साउंड। स्टीरियो दो या दो से अधिक स्वतंत्र ऑडियो चैनल का उपयोग करके ध्वनि का पुनरुत्पादन है, जो विभिन्न दिशाओं से सुनाई देने वाली ध्वनि की छाप बनाता है, जैसे कि प्राकृतिक सुनवाई में होता है। मोनो में एक एकल चैनल में ऑडियो होता है, जिसे अक्सर ध्वनि क्षेत्र में केंद्रित किया जाता है। स्टीरियो की गुणवत्ता में सुधार के कारण स्टीरियो साउंड ने मोनो को लगभग पूरी तरह से बदल दिया है। स्टीरियो तथा मोनो शब्दावली को एम्पलीफायर कनेक्शन को रेफर करते समय निरंतर उपयोग किया जाता है। ध्वनि ज्यादा प्राकृतिक तथा वास्तविक होती है। यहां पर अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे कि शुद्ध स्टीरियो ध्वनि मोनो से ज्यादा बेहतर है। बहुत सारी प्राथमिक रिकॉर्डिंग की स्थितियों में, जिनकी कल्पना मोनो के समय की गई थी,
बाद में इसे स्टीरियो में रिमिक्स किया गया है। अब जैसे कि आप चित्र में यहां देख सकते हैं, चित्र में बताया गया है मोनो और स्टीरियो दोनों के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो डायग्राम में जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि जो मोनो ऑडियो होता है वो सिंगल चैनल का प्रयोग करता है। सिंगल चैनल यानी कि एक ही चैनल के माध्यम से आपको लेफ्ट और राइट दोनों में साउंड सुनाई देता है। लेकिन जो स्टीरियो ऑडियो होता है वो दो विभिन्न अलग अलग चैनल्स का प्रयोग करता है, चैनल ए चैनल बी जैसे दिया गया है। तो चैनल ए जो है लेफ्ट साउंड के लिए और चैनल बी जो है राइट साउंड के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मोनो ऑडियो है वो सिंगल चैनल का प्रयोग करके जो आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको प्रेजेंट करती है। लेकिन स्टीरियो जो ऑडियो होता है वो डिफरेंट टाइप के चैनल यानी कि एक से ज्यादा चैनल, दो चैनल का प्रयोग करता है, जिससे आप लेफ्ट और राइट अलग अलग जो साउंड है उसका उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आप स्टीरियो साउंड में लेफ्ट और राइट, जैसे आप 3D साउंड सुनते हैं जो आपके लेफ्ट हेडफोन में अलग चलता है, राइट में अलग चलता है, लेकिन मोनो में ऐसा नहीं होता है। मोनो में क्या होगा, जो साउंड है जैसे अभी आप साउंड सुन रहे हैं तो वो आपके दोनों लेफ्ट और राइट दोनों हेडफोन में एक समान ही सुनाई देता है, क्योंकि वो मोनो साउंड है। अगर हम स्टीरियो साउंड की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट में अलग सुनाई देगा आपको, राइट में अलग सुनाई देगा, मतलब एक समय में एक साइड के साउंड में लेफ्ट में या राइट में आप अलग अलग भी इसे सुन सकते हैं। तो स्टीरियो साउंड जो होता है वो दो चैनल का प्रयोग करता है। मुख्य अंतर स्टीरियो और मोनो में यह होता है।